हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बाजीराव नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बहुत ही झांसा टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करने जा रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में आज अपन डील करेंगे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सी डिजीजेज इसमें शामिल की गई है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि जो कभी इतिहास गवाह है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ जिंदगी हो या व्हाट्सएप लोग स्टेटस ही देखते हैं। तो अपने स्टेटस को मेंटेन बनाने के लिए आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है और 80,000 की सैलरी उठानी है, तब आपको अच्छी तरीके से आप अपना जो भी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको मेहनत होगी, वो कंटिन्यू करनी है, तो अपन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है साइंस ऑफ फूड एंड इट रिलेशन विद हेल्थ, यानी कि फूड की साइंस जिसका की रिलेशन होता है हेल्थ के साथ में, फूड का क्या रिलेशन होता है और वो जो रिलेशन बताता है उसे ही न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि फूड होता है उसका जो रिलेशन होता है हेल्थ के साथ में, उसका जो कोरिलेशन होता है न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि साइंस ऑफ फूड एंड इट रिलेशन विद हेल्थ, हेल्थ के साथ में न्यूट्रिशन का किस तरीके का रिलेशन होता है इसे किसके नाम से जाना जाता है, न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो उसका सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब जब आपने न्यूट्रिशन देख लिया है तो सबसे पहले बात कर लो कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ की डेफिनेशन होती है कि हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बींग एंड नॉट मियरली इन द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब है कि पर्सन है वो मेंटली, सोशली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए और किसी भी तरीके का उसको कोई भी इन्फर्मिटी या डिजीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम चुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए। तो ये हेल्थ का डेफिनेशन है और ये WHO का डेफिनेशन है। तो उसके बाद में बात करते हैं कि अब बात कर ली अपन ने हेल्थ देख लिया, उसके बाद में अपन ने न्यूट्रिशन देख लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन डील करते हैं कि माल न्यूट्रिशन। अब जब अपन ने न्यूट्रिशन देख लिया तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो माल न्यूट्रिशन की बात करें तो उसका मतलब हो गया कि हेल्थ का या न्यूट्रिशन में इंपेयरमेंट की वजह से हेल्थ पे कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसे माल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हेल्थ होता है उस पर अगर न्यूट्रिशन में कोई इंपेयरमेंट हुआ है और उसकी वजह से हेल्थ में किसी तरीके का इंबैलेंस देखने को मिलता है तो उसे माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप माल न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें तीन तरीके का हो सकता है माल न्यूट्रिशन, ये तीन टाइप का हो सकता है। पहला हो सकता है आपका अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर हो सकता है ओवर न्यूट्रिशन हो जाए। माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन में ये थ्री टाइप का देखने को मिलेगा। थ्री टाइप्स में सबसे पहले आता है वो अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा जिसमें वेट होगा वो उस चाइल्ड का या पर्सन का जो वेट होता है। अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा और अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है वेट होगा वो कम देखने को मिलता है, या फिर इसमें ओवर न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होगा कोई भी न्यूट्रिएंट की वजह से ओवर हो गया, यानी कि ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि नाप तोल कर आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया ना तो उसमें कोई चीज ज्यादा हो ना उसमें कोई चीज कम हो, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अगर आपको बैलेंस डाइट लेनी होती है। तो अंडरवेट अंडर न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जिसमें कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसे अंडर न्यूट्रिशन होगा। माल ओवर न्यूट्रिशन में अगर किसी एक्सेस न्यूट्रिशन की वजह से ओवर ग्रोथ हो जाती है बॉडी की, इसमें एग्जांपल होगा जैसे अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें एग्जांपल देखने को मिलता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एग्जांपल है। वो किसका एग्जांपल है? अंडर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाएगा, या तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी या फिर आपकी कैलोरी की कमी की वजह से होने वाला जो डिसऑर्डर होता है उसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में भी टू टाइप के होते हैं, मेनली इसमें थ्री होते हैं लेकिन मेनली जो आपने सुना है टू टाइप के सुना होगा, क्वाशियोकोर एंड मरास्मस। क्वाशियोकोर होता है उसमें प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी कमी से क्वाशियोकोर होता है, जबकि अगर कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला जो डेफिशिएंसी होती है वो होता है आपका
मरास्मस, तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो ओवर न्यूट्रिशन का जो एग्जांपल होता है इसमें ओबेसिटी देखने को मिलेगी। ओबेसिटी यानी कि पर्सन होगा उसकी ओबेसिटी हो जाएगी, पर्सन का मोटापा हो जाता है, उसमें फैटी पर्सन देखने को मिलता है तो ओबेसिटी हो गया। या फिर आपकी तीसरे पे होती है जो किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से देखने को मिलती है, इसमें स्पेसिफिक डेफिशिएंसी इसके नाम से जाना जाएगा, स्पेसिफिक डेफिशियंसी। और स्पेसिफिक डेफिशियंसी में ड्यू टू द सम स्पेसिफिक, कोई भी अगर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से देखने को मिलती है, जैसे बात करें कि इसमें देखने को मिलेगा, जैसे आपका बात करने की पैलाग्रा होगा, पैलाग्रा हुआ, या फिर स्कर्वी होती है, और स्कर्वी होती है, स्कर्वी और स्कर्वी होती है वो विटामिन सी की कमी की वजह से देखने को मिलती है। पैलाग्रा बात कमेंट में करके बताइए, पैलाग्रा किसकी कमी से होने वाला है, नियासिन होता है, नियासिन की कमी से होने वाली जो डिजीज होती है पैलाग्रा होता है। और पैलाग्रा में मेनली 3D साइन आते हैं, डर्मेटाइटिस होगा, डायरिया होगा एंड डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया देखने को मिलता है। जबकि बात करें इसमें चौथा दी तो उसमें डेथ भी शामिल हो गया है। तो ये होगा जो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन जो डील करने वाले हैं वो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि गोमेज का क्लासिफिकेशन और माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन के लिए गोमेज का क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। माल न्यूट्रिशन में यहां पर देखो आप गोमेज क्लासिफिकेशन, गोमेज क्लासिफिकेशन, गोमेज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें गोमेज क्लासिफिकेशन में मेनली ये आपका वेट के अकॉर्डिंग दिया हुआ क्लासिफिकेशन होता है। इसमें अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ये किसके आधार पर दिया गया क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, बॉडी के वेट के आधार पर दिया गया ये क्लासिफिकेशन होता है। इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कि आपका बॉडी वेट कितना है और उसके अकॉर्डिंग जो क्लास होती है, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है वो कहां देखने को मिलेगा। तो यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहां पर वेट देखने को मिलेगा। यहां पर आप दो कॉलम बना करके इसको समझने के लिए यहां पर एक साइड में लिख लीजिए वेट एंड दूसरी साइड में आपको लिखना है कि माल न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ द माल न्यूट्रिशन या क्लास ऑफ माल न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन में फर्स्ट इधर में नॉर्मल की बात करेंगे, उसके बाद में चलते हैं कि कौन कौन सी ग्रेड देखने को मिलेगी इसमें। तो फर्स्ट में जो नॉर्मल होता है, अगर वेट है वो मोर देन 90% है, अगर वेट 90% से ज्यादा देखने को मिलता है तो ये है आपका जो पर्सन है वो नॉर्मल है, उसमें किसी तरीके का कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है। वेट अगर 90% से ज्यादा होता है तो उसमें वेट होगा नॉर्मल है, अगर 90% से ज्यादा है तो किसी तरीके का कोई भी उसमें माल न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर वेट है वो 75 से लेकर 90% है, 75 से 90% होगा इसमें माइल्ड माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। बात करें कि अगर वेट है वो 60 से लेकर 75% होता है तो उसमें मॉडरेट माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, अगर वेट 60% से भी कम हो जाता है तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि अगर किसी पर्सन का वेट मोर देन 90% है तो उसमें किसी तरीके का कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है, उसे नॉर्मल कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी का वेट 75 से लेकर 90% तक यानी 75 to 90% वेट है तो उसे माइल्ड माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में डाला जाता है। जबकि बात करें कि अगर किसी का वेट 60 से 75% है तो उसमें मॉडरेट माल न्यूट्रिशन आएगा, और अगर किसी पर्सन का वेट 60 से भी कम हो गया, कोई बिल्कुल हवा आ जाए तो उसमें उड़ जाने वाला जो पर्सन होता है, हवा के झोंके के साथ में उड़ जाए, ऐसा पर्सन किस श्रेणी में आएगा, तो 60 से कम होगा, उसका वेट अंडर वेट है तो सीवियर माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में उसको डाला जाता है। तो आप अपने आसपास भी नजर घुमा करके देखिए कि सीवियर माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आपका कौन
कौन सा फ्रेंड है जो कि सीवियर मालन्यूट्रिशन की श्रेणी में आता है, और आप किस श्रेणी से या कौन से टाइप में आप बिलोंग करते हैं, आप नॉर्मल है या फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर में किस टाइप में आप बिलोंग करते हैं, तो ये पूरी तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हो गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि स्टंटिंग क्या होती है। स्टंटिंग का मतलब होता है कि एज के अनुसार हाइट का कम रह जाना, यानी कि शॉर्टेज हो जाना। हाइट होती है वो छोटी होती है, लो हाइट फॉर एज। एज के अकॉर्डिंग अगर हाइट है वो कम होती है तो उसे स्टंटिंग के नाम से जानते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है वास्टिंग। वास्टिंग और स्टंटिंग में भी आप फर्क समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वास्टिंग किसे कहते हैं। तो वास्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से, अगर किसी में अक्यूट फूड का शॉर्टेज हुआ है और उसकी वजह से मसल्स में लॉस देखने को मिलेगा, मसल्स लॉस देखने को मिलेगा, जो फैट लॉस होगा, और फैट लॉस होती है तो उसकी वजह से पर्सन का अंडरवेट देखने को मिलता है, तो इस कैटेगरी को कहा जाता है वास्टिंग। जबकि स्टंटिंग की बात करें तो स्टंटिंग का मतलब हो गया कि लो एज, लो हाइट फॉर एज, एज के अनुसार अगर हाइट है वो कम देखने को मिल रही है तो स्टंटिंग कहलाएगी। लेकिन वास्टिंग का मतलब होता है कि किसी पर्सन में अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से अगर उसकी फैट लॉस हो गई है और उसकी वजह से वेट है वो कम देखने को मिलता है तो उसे वास्टिंग के नाम से जानते हैं। तो बात कर लेते हैं यहां पर स्टंटिंग की। स्टंटिंग में लो हाइट फॉर एज, एज के अनुसार उसकी हाइट है वो शॉर्ट देखने को मिलती है तो स्टंटिंग कहेंगे। जबकि बात करें वास्टिंग की तो वास्टिंग का मतलब होता है कि अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से अगर किसी पर्सन का वेट है वो फैट लॉस हो गया और उसका वेट अंडरवेट देखने को मिलता है तो उसे वास्टिंग के नाम से जानते हैं। अब वास्टिंग की कैटेगरी होती है और कैटेगरी के अनुसार उसकी जो ग्रेड डिवाइडेड की गई है तो ग्रेड होगी वो एक से लेकर के फोर ग्रेड होती है। 1-4 ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3 एंड 4। इसकी ग्रेड की बात कर लेते हैं। वास्टिंग के जो ग्रेड्स होती है या ग्रेड्स या बात कर लेते हैं टाइप्स की, तो उसमें जो ग्रेड्स होगी, ग्रेड फर्स्ट में जो पर्सन आएगा वो क्या होगा, इसमें फैट का लॉस देखने को मिलेगा, फैट लॉस फ्रॉम एक्सिला एंड ग्रोन। अगर किसी पर्सन में ग्रोन और एक्जिला से फैट का लॉस हुआ है फर्स्ट ग्रेड में जाएगा। ग्रेड सेकंड की बात करें तो ग्रेड सेकंड में वो पर्सन आते हैं जिनका की फैट लॉस हुआ है, फैट लॉस फ्रॉम बटैक्स एंड थाई। बटैक्स और थाई से अगर फैट का लॉस हुआ है तो सेकंड ग्रेड में आएंगे। थर्ड ग्रेड की बात कर लेते हैं कि थर्ड ग्रेड में कौन से पर्सन आते हैं, तो थर्ड ग्रेड में वो पर्सन आते हैं जिनका कि फैट लॉस हुआ है फ्रॉम द एब्डोमन एंड चेस्ट एंड एब्डोमन। एब्डोमन और चेस्ट से अगर किसी पर्सन का फैट लॉस हो गया है तो वो कैटेगरी में आएंगे, ग्रेड में आएंगे, थर्ड ग्रेड में। जबकि ग्रेड फोर्थ की बात करें कि ग्रेड फोर्थ में कौन से पर्सन आते हैं, तो ग्रेड फोर्थ में वो पर्सन आते हैं, और ये मेनली पूछा जाता है एग्जाम में कि फोर्थ ग्रेड में कौन से आएंगे, तो फैट लॉस फ्रॉम बक्कल पैड से अगर फैट का लॉस हो गया है, अगर किसी पर्सन का जो पहले था उसमें कौन से गुब्बारे की तरह उसके गाल फूले हुए थे, मोटे मोटे गाल वाला था, चांद सा मुखड़ा था, लेकिन उसका फैट लॉस हो गया, और ग्रेड फोर्थ में वो आएगा जिसका कि फैट लॉस फ्रॉम बक्कल पैड। अगर गालों से यहां पर गड्ढे पड़ जाते हैं या पिंपल होते हैं, डिंपल पड़ जाते हैं, जो फूला हुआ चेहरा था आपका, चांद सा मुखड़ा था, अगर वो मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है, बिल्कुल सिकुड़ गया है, बुढ़ापे की तरह ओल्ड एज में चला जाता है, ओल्ड एज की फेस की तरह हो जाता है, यानी पहले जो बचपन में जो फेस था वो बिल्कुल एकदम फूला हुआ मून लाइक फेस था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें वास्टिंग देखने को मिली और फोर्थ ग्रेड वास्टिंग तक हो गई, तो उसमें जो पैड होगी बक्कल पैड होती है, जहां पर गालों पे जहां पर फैट जमा होती है वो लॉस हो जाती है, और उसे ग्रेड फोर्थ में आएगा जहां पर चांद सा मुखड़ा है वो बिल्कुल ओल्ड एज की तरह, बिल्कुल बुढ़ापे की तरह अगर चेहरा दिखने लग गया है, मंकी लाइक फेस देखने को मिल जाता है, जो कि मेनली आपको देखने को मिलता है मरास्मस में। जबकि मून फेस की बात करें तो वो देखने को मिलेगा आपका क्वाशियोकोर में। तो इस तरीके से इसकी जो ग्रेडेड होती है वो अच्छी तरीके से यहां पर आपने बिना रटे आप अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ पर प्रोटीन की और एनर्जी, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उसमें बात कर ले नॉर्मल की कि प्रोटीन का कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो आरडीए और प्रोटीन की बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट डेली अलाउंसेज की बात करें तो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज में आरडीए में प्रोटीन की बात करते हैं, आरडीए प्रोटीन का कितना होगा तो प्रोटीन का आरडीए होता है वो डेली का वो 1 ग्राम पर केजी पर डे। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पर्सन का वेट 60 किलो है तो उसको 60 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी पर्सन का वेट 10 किलो है तो उसको 10 ग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, यानी 1 किलोग्राम पर्सन का 1 किलो का वजन है तो उसको डेली उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो 1 ग्राम देखने को मिलेगी। 1 किलोग्राम का है तो 1 ग्राम होगी, 60 किलोग्राम का है तो 60 होगा, यानी 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से इसमें देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके बाद में कि ये एडल्ट में कितनी होती है तो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से देखने को मिलेगी। बात करें कि प्रेगनेंसी में कितनी हो जाती है तो प्रेगनेंसी में प्लस 15 जितनी भी अगर किसी वुमेन की थी उससे प्लस 15 प्रेगनेंसी में होगी वो प्लस 15 देखने को मिलती है। जबकि लैक्टेशन की बात करें कि लैक्टेशन और लैक्टेशन का मतलब होता है ऐसी लेडीज या ऐसी फीमेल जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीड करवाती है उसमें डेली 15 ग्राम एक्स्ट्रा प्लस 15 ग्राम प्रेगनेंसी में, ये ग्राम में है, प्लस 15 ग्राम एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी प्रेगनेंसी में होगी तो 15 ग्राम एक्स्ट्रा देना है। जबकि बात कर ले कि फीमेल जो कि लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग जो कि अपने ब्रेस्ट फीड से ब्रेस्ट फीड करवाती है अपने बेबी को, उनमें प्लस 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं कि आरडीए ऑफ कैलोरी की जो आरडीए होती है कैलोरी या फिर कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं तो उसमें मेनली आरडीए होती है इसकी 300 ग्राम पर डे देखने को मिलेगी, लेकिन मिनिमम आपको 100% तो मिनिमम 100 ग्राम पर डे तो यहां पर चाहिए ही चाहिए होती है। कीटोन बॉडी का जो एक्युमुलेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कम से कम आपको डेली 100 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही लेना है। जबकि नॉर्मल की बात करें तो आरडीए होती है नॉर्मल कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट की, वो 300 ग्राम पर डे देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में कि मेनली आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है फैट होता है या और उसके साथ साथ में जो आपकी प्रोटीन होता है वो कितनी रिक्वायरमेंट इसका इसकी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो 1 ग्राम फैट होगा वो कितनी सबसे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट या सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट से 4 प्रोवाइड करवाएगा, जबकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट होगा फैट हुआ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है वो 4। जबकि बात कर लेते हैं आपकी फैट होती है और फैट से सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी तो 13 मिलती है, जबकि बाकी कार्बोहाइड्रेट से बात करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन भी आपका 4 किलो कैलोरी देता है, जबकि 1 ग्राम फैट की बात करें तो फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है और 1 ग्राम फैट से देखने को मिलती है 9 किलो कैलोरी यहां पर देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा होता है फैट से होगा, 1 ग्राम फैट होती है 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सेम होता है, 4 किलोग्राम
प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइडेड करवाते हैं। तो यहां पर अपन ने देख लिया है कि किससे कितनी एनर्जी मिलती है। उसके बाद में मेन जो टॉपिक था अपना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अभी तो अपन घुमा फिरा करके जो न्यूट्रिशन के इसको समझने से पहले जो मेन तथ्य होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसके बाद आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, तो वो टॉपिक अपन ने पहले डील कर लिए हैं। अब इसके बाद में जो आपका मेन टॉपिक आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसको डील कर लेते हैं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में मेनली ये 3 टाइप का देखने को मिलता है। फर्स्ट की बात करें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप में, टाइप्स, और फर्स्ट टाइप इसमें देखने को मिलेगा मरास्मस, सेकंड टाइप होता है क्वाशियोकोर, एंड मिक्स टाइप, मिक्स्ड में मरास्मिक क्वाशियोकोर। फर्स्ट टाइप में होता है मरास्मस, दूसरा होता है इसका टाइप प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्वाशियोकोर, एंड तीसरा होता है मिक्स में होता है मरास्मिक क्वाशियोकोर होगा। अब मरास्मस होता है ये मेनली देखने को मिलता है आपका ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या बात करें कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से देखने को मिलेगा क्वाशियोकोर होगा, जबकि मरास्मस होता है क्वाशियोकोर होता है वो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, की कमी की वजह से देखने को मिलता है वो उसका डेफिशिएंसी होगा, प्रोटीन की कमी की वजह से देखने को मिलता है तो उसे क्वाशियोकोर के नाम से जानते हैं। जबकि बात करें कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलेगा तो ये होता है आपका मेनली क्वाशियोकोर होगा, मरास्मस क्वाशियोकोर में ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, क्वाशियोकोर मरास्मस में क्या होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। दोनों टाइप की अगर प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है, कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से मिक्स टाइप का या मरास्मिक क्वाशियोकोर देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन में, बच्चे में, मेनली ये बच्चे में देखने को मिलते हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चों में, बर्थ से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में ये मेनली देखने को मिलता है। मरास्मस की बात करें तो मरास्मस होता है बर्थ से लेकर के 1 साल तक की एज में मेनली देखने को मिलता है इन्फेंट एज में, जबकि क्वाशियोकोर होता है बर्थ से लेकर के 5 साल तक की एज में मेनली देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों अगर पूछा जाए तो लेस देन 5 ईयर में देखने को मिलता है। मिक्स में ड्यू टू द डेफिशियंसी प्रोटीन भी कम हो गया, और उसमें उसका क्या कम हो गया, फैट प्रोटीन के साथ साथ उसका कार्बोहाइड्रेट भी कम है, कैलोरी भी कम है, उसकी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, तो उसमें फिर देखने को मिलेगा मिक्स मरास्मिक क्वाशियोकोर। बात करते हैं जो इसका जो मेन इंडिकेटर होता है पीईएम का, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, तो उसमें जो मेन इंडिकेटर यही पूछा जाता है कि इंडिकेटर ऑफ द, एग्जाम में बार बार में यहां से क्वेश्चन आता है कि इंडिकेटर ऑफ द पीईएम, का पता लगाने के लिए आप क्या सबसे पहले जो फर्स्ट इंडिकेटर की बात करें कि फर्स्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, तो फर्स्ट इंडिकेटर में देखने को मिलेगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का कि सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिलेगा कि अंडरवेट, एज अंडरवेट होगा, जो एज के अनुसार उसका जो वेट होता है वो अंडरवेट देखने को मिलेगा, अंडरवेट फॉर एज, के अकॉर्डिंग उसका जो वेट होता है वो अंडर वेट देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि फर्स्ट इंडिकेटर क्या होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, अंडर वेट फॉर एज, के अनुसार उसका जो वेट होता है वो कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहीं से आपको पता लगाया जा सकता है कि उस पर्सन को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो ये अपन ने डील कर लिया है। इसके बाद में अपन मेनली इसका जो डिफरेंस होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, 2 टाइप के मेनली डिफरेंस है, इसका एक साइड में अपन डील करेंगे कि मरास्मस क्या होता है, दूसरी साइड में इसका डील करेंगे कि क्वाशियोकोर में क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों के बीच का आपको अंतर समझ आ जाएगा और डिफरेंस समझ आ जाएगा, तो इसका आप बिना रटे इसको अच्छी तरीके से डिफरेंस के तौर पर इसको अच्छी तरीके से आसानी से याद कर सकते हो। तो एक साइड में आपको लिखना है कि यहां पर मरास्मस, एंड सेकंड साइड में आपको लिखना पड़ेगा क्वाशियोकोर। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि मरास्मस क्या हो,
एक साइड लिखो मरास्मस एंड दूसरी साइड में आपको लिखना है क्वाश्योर कोर। मरास्मस एंड क्वाश्योर कोर तो दो आपको डिवाइडेड कर लीजिए इसको, और यहां पे इसके फीचर देख लेते हैं कि इसमें साइन क्या होंगे, इसका फीचर क्या होगा, या कोज की बात कर लेते हैं। इसमें साइन कौन कौन से आएंगे, तो यहां पर आप साइन या फिर फीचर्स डाल लीजिए। फीचर्स में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कोज क्या होगा। फर्स्ट नंबर पे यहां डाल लो कोज, और कोज में क्या होता है, मरास्मस का कोज होता है प्रोटीन, प्रोटीन की डिक्रीज इन द डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी, कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है मरास्मस देखने को पड़ेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी की कमी की वजह से हुआ है मरास्मस होगा, लेकिन अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है तो क्वाश्योर होगा, जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन नहीं ले पाता है बच्चा। अगर किसी बच्चे को आपने जन्म से उसको प्रोटीन नहीं दिया है तो उसमें आगे चल करके एक डिजीज डेवलप हो जाती है और उसे क्वाश्योर कहेंगे। उसमें जो फर्स्ट में होता है कि डिक्रीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी की कमी की वजह से होगा, मरास्मस देखने को मिलता है। अफेक्टेड एज की बात कर लेते हैं कि इसमें जो सेकंड नंबर पे फीचर्स में लिखो अफेक्टेड एज, अफेक्टेड एज की बात करेंगे तो अफेक्टेड एज में मेनली इसमें इन्फेंट देखने को मिलता है, जो मेनली अफेक्टेड होगा इन्फेंट होगा, और इन्फेंट होता है वो जीरो से लेकर के एक साल तक के बच्चे इसमें देखने को मिलता है, जबकि इसमें जो बर्थ से लेकर के पांच साल तक के बच्चे होते हैं, बर्थ टू फाइव ईयर के बच्चे इसमें मेनली अफेक्टेड होंगे। तो उसमें अफेक्टेड एज ग्रुप हो गया वो इन्फेंट होता है मरास्मस में, जबकि बर्थ से लेकर के फाइव ईयर तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्वाश्योर से अफेक्टेड होते हैं। फैट लॉस की बात करें तो फैट लॉस उसमें थर्ड नंबर पे, फैट लॉस होगा मरास्मस में, फैट लॉस बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बच्चा होता है बिल्कुल सिकुड़ करके एक बिल्कुल एक इत्ता सा हो जाता है, उसके पूरी तरीके से फैट लॉस हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्वाश्योर में फैट लॉस होता है वो एब्सेंट होता है, यहाँ पर फैट का लॉस नहीं होता है, बल्कि बच्चे में क्या हो जाता है एडिमा डेवलप हो जाता है, तो बच्चा होता है वो फूलने लग जाता है। यहाँ फोर्थ नंबर पे बात करते हैं एडिमा की, तो एडिमा होगा वो मरास्मस में एडिमा होता है एब्सेंट होता है, लेकिन बात करें कि यहाँ पर क्वाश्योर में एडिमा होगा वो प्रेजेंट होता है, क्वाश्योर में एडिमा प्रेजेंट होता है, जबकि मरास्मस में एडिमा होता है वो एब्सेंट होता है। मेंटल वेट चेंज की बात करें तो वेट होगा वेट, और वेट में बात करते हैं मरास्मस में यहां पर वेरी लो वेट होगा। यहाँ पर जो वेट होता है या तो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा या फिर देखने को मिल सकता है लो वेट, लेकिन वेरी लो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली एक्यूमुलेशन होने लग जाता है फ्लूड्स का, क्योंकि ये मेनली जाकर के लीवर को अफेक्टेड कर देता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी हो गई, और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसमें प्रोटीन में एल्बुमिन ग्लोबुलिन और आपका फिब्रिनोजन वगैरह की कमी होगी, मेनली एल्बुमिन की कमी होती है, जाकर के लीवर को अफेक्टेड करता है और उसकी वजह से फ्लूड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है बॉडी में, तो वेट होगा वो वेरी लो, बहुत कम वेट देखने को मिलता है मरास्मस में, जबकि क्वाश्योर में या तो नॉर्मल वेट होगा या थोड़ा सा वेट कम देखने को मिल सकता है, वेरी लो देखने को यहां पर नहीं मिलेगा। मेंटल चेंजेस की बात करें तो मेंटल चेंजेस बिल्कुल यहां पर मेंटल चेंज देखने को मिलेगा, बिल्कुल मेंटल चेंज प्रेजेंट होते हैं मरास्मस में, जबकि यहाँ पर मेंटल चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। अब मेंटल चेंजेस यहाँ पर क्यों आया, मेंटल चेंजेस इसलिए आया जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी नहीं मिलती है तो उसकी वजह से, और मेनली आपके जो मेंटल चेंजेस आते हैं ब्रेन की वजह से आते हैं, और ब्रेन क्या करता है केवल और केवल किसका डाइजेशन करता है, वहां पर उसको उसके रिक्वायरमेंट के लिए न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरॉन के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो केवल कार्बोहाइड्रेट पूरी करता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाएगी, उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो वो प्रॉपर तरीके से ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर उसके कार्बोहाइड्रेट की कमी देखने को मिलेगी। जब उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो पूरी तरीके से वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर मेंटल चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन क्वाश्योर में मेंटल चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। एपेटाइट की बात करें तो एपेटाइट में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा,
एपेटाइट बात करें तो यहाँ पर एपेटाइट होती है वो गुड एपेटाइट होगी, यानी भूख तो अच्छी लगती है, अच्छी भूख लगेगी, लेकिन यहाँ पर एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, यानी कि एनोरेक्सिया का मतलब हो गया लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का लॉस हो जाना, एपेटाइट की कमी, भूख की कमी हो जाना एनोरेक्सिया होगा, तो मातवाचक और में देखने को मिलेगा, लेकिन एपेटाइट होगी वो गुड होती है, अच्छी तरीके से भूख लगती है, मरासमस वाले बच्चे को भूख अच्छी लगती है, लेकिन क्वाशक और में क्या होता है एनोरेक्सिया हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि डायरिया किसमें देखने को मिलेगा, तो डायरिया की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो गया डायरिया और पोटेशियम लेवल। डायरिया की बात करेंगे किसमें डायरिया देखने को मिलेगा, किसमें पोटेशियम का लेवल कम देखने को मिलेगा, तो यहां पर डायरिया होगा ये एब्सेंट होता है मरासमस में, डायरिया होगा वो एब्सेंट रहेगा, जबकि क्वाशोकोर में डायरिया होता है वो प्रेजेंट होता है। बात कर लेते हैं पोटेशियम लेवल की, तो पोटेशियम लेवल की बात करेंगे तो उसमें पोटेशियम देखने को मिलेगा, पोटेशियम का जो लेवल होता है नॉर्मल देखने को मिलेगा, मरासमस में पोटेशियम लेवल नॉर्मल होता है, जबकि यहां पर क्वाशोकोर में पोटेशियम का लेवल होता है डिक्रीज हो जाता है। सीरम एल्बुमिन की बात कर लेते हैं कि सीरम का जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन आपने बात किया था कि एल्बुमिन इज ए प्रोटीन, प्रोटीन होता है एल्बुमिन है वो एक प्रोटीन है, लेकिन मरासमस में प्रोटीन का लेवल नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन बात करें क्वाशोकोर में जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पर एल्बुमिन भी कम देखने को मिलता है, एल्बुमिन भी कम देखने को मिलेगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, एल्बुमिन कम देखने को मिला क्वाशोकोर में, जबकि नॉर्मल प्रोटीन देखने को मिलता है मरासमस में देखने को मिलेगा। लीवर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर आपका मरासमस में लीवर चेंजेस नहीं होता है, लीवर चेंजेस नॉन लीवर चेंजेस, लीवर चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि इसमें लीवर चेंजेस देखने को मिलेगा। अब सबसे जो लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहां पर आपको स्टार मार्क लगा करके देखना है, किसमें जो फेस देखते हैं, और मेनली अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कौन सा फेस देखने को मिलता है, तो उसमें मेनली जो फेस देखने को मिलेगा मरासमस में जो फेस होता है ओल्ड मैन लाइक फेस, बूढ़े आदमी की तरह फेस देखने को मिलेगा, जिसे मंकी फेस देखने को मिलेगा। जबकि बात कर लेते हैं यहां पर मून फेस, चांद सा मुखड़ा देखने को मिलता है, और चांद सा मुखड़ा आपका एक्सेसिव जहां पर स्टेरॉइड का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल जहां पर बढ़ जाता है, वहां पर जो डिजीज होती है उसमें भी आपका मेनली देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, मून फेस देखने को मिलता है क्वाशोकोर में, जबकि अडल्ट फेस या ओल्ड लाइक फेस या वहां पर ओल्ड मैन की लाइक बूढ़े आदमी की तरह फेस देखने को मिलेगा, तो मून लाइक फेस हो गया वो मिलने आपका क्वाशोकोर में देखने को मिलता है, और दूसरी जगह देखने को मिलता है कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। जबकि बात कर लेते हैं मरासमस में ओल्ड मैन लाइक फेस देखने को मिलेगा या मंकी लाइक फेस यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पूरा इसमें दोनों में डिफरेंस है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इस यहां से स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। उसके बाद में दो टॉपिक और बचा है इसका, दो करेक्टर उसके बारे में भी और डील करेंगे। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मिटा दूं तो यहां पर आप इसके बाद में अपन डील करेंगे कि यहां पर क्या देखने को मिलता है मेनली,
ये मरास्मस और क्वाशियो कोर ऊपर आपका ऐसे का ऐसे रहेगा। उसके बाद में अपन स्किन चेंजेस की और हेयर चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो हेयर के चेंजेस में मेनली आपका नॉर्मल रहता है मरास्मस में, लेकिन हेयर चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वाशियो कोर में हेयर का चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन बात कर लेते हैं आपकी मरास्मस में हेयर का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर नॉर्मल हेयर होते हैं। जबकि स्किन का चेंजेस भी यहाँ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन क्वाशियो कोर में दोनों तरीके से हेयर और स्किन इफेक्टेड हो जाते हैं। तो हेयर चेंजेस, हेयर चेंजेस की बात करें तो हेयर चेंजेस यहां पर नॉर्मल होंगे, जबकि यहां पर आपका फ्लैश की साइन देखने को मिलेगा। फ्लैश की साइन में क्या होता है कि जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स थिन हो जाएंगे, बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं। जो पहले चमकदार आपके बिल्कुल शाइनिंग वाले बाल थे, जैसे शैम्पू से नहाने के बाद अलग अलग तरीके के जो हेयर कंडीशनर आ रहे हैं उससे शाइनिंग वाले जो आपके हेयर्स होते हैं वैसे आपके पहले बाल हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, उसको क्वाशियो कोर हो गया बच्चे को, तो उसमें उसके जो हेयर्स होंगे वो बिल्कुल थिन हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूखे सूखे हो जाते हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर के देखने को मिलेंगे, भूरे भूरे पड़ जाते हैं। यहाँ पर आप ब्लैक एक तरीके से हेयर कंडीशनर लगा करके आप अलग अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट का प्रचार करवा रहे थे बच्चे से, लेकिन अब उसके हेयर्स हैं वो ब्राउन कलर के हो गए हैं, सूखे हो गए हैं, पतले हो गए हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। स्ट्रेट हेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसे ही फ्लैश की साइंस के नाम से जानते हैं। स्किन चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्किन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्किन चेंजेस में बात करें तो यहाँ पर मरास्मस में तो स्किन चेंजेस नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ पर जो स्किन का चेंजेस होगा वो बिल्कुल इसी की तरह स्किन का भी यहाँ पर कलर बदलने लग जाता है, तो स्किन होती है वो भी आपकी ड्राई हो जाएगी, थिन हो जाती है, सूखी सूखी आपकी जहां पर पहले बिल्कुल एकदम शाइनिंग बाल थे और बिल्कुल जो स्किन थी वो बिल्कुल एकदम मखमल मुलायम थी, बिल्कुल आपके किसकी तरह की से थी, बिल्कुल मखमल की तरीके से बिल्कुल कोमल स्किन थी, वो भी यहाँ पर थिन और ड्राई होने लग जाती है, जिससे फ्लैकी पेंट के रेड ब्राउन कलर की देखने को मिलती है, जिसे फ्लैकी पेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर कहां होगा फ्लैकी पेंट के नाम से, फ्लैकी पेंट डर्मेटाइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, फ्लैकी पेंट डर्मेटाइटिस की तरह यहाँ पर स्किन देखने को मिलती है, तो स्किन थिन होगी, ड्राई होगी, रेड ब्राउन कलर की हो जाती है। फ्लैकी जो मखमली आपकी जो स्किन थी वो बिल्कुल अब सूख करके बिल्कुल पतली पतली सूखी सूखी रेड ब्राउन कलर की देखने को मिलती है, जिसे फ्लैकी पेंट डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। जबकि फ्लैश की साइन देखने को मिलेगा क्वाशियो कोर में, जिसमें हेयर होंगे थिन ड्राई एंड बिल्कुल स्ट्रेट और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि आपका लास्ट पॉइंट रहने वाला है ट्रीटमेंट। तो मेनली ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी रिच डाइट देंगे। जबकि बात करें कि क्वाशियो कोर में क्या करते हैं, प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है। यहाँ पर जो प्रोटीन की कमी थी उसकी भरपाई करने के लिए प्रोटीन रिच डाइट देंगे, और प्रोटीन रिच डाइट में मेनली यहाँ पर 3 से 4 ग्राम यहाँ पर केजी के हिसाब से पर डे इंक्रीज प्रोटीन इनटेक 3 to 4 ग्राम per kg per day 3 से 4 ग्राम per kg per day के हिसाब से यहाँ पर प्रोटीन का इंक्रीज कर देते हैं ट्रीटमेंट में। मरास्मस के ट्रीटमेंट में कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, जबकि प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। क्वाशियो कोर में इसमें प्रोटीन इंटेक होगा वो 3 से 4 ग्राम per kg per day के हिसाब से प्रोटीन बढ़ा देते हैं, और इस तरीके के इससे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से इसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कर दे, ताकि इसे सभी दोस्तों तक इसको पहुंचा हो, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो इसके लिए अपन बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे
आपसे मिलने वाले हैं, अपनी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।